हेलो गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू एजुकेरी मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे गए एंड uh, बता दो यार कि आवाज़ आ रही है या नहीं जल्दी से uh, मैंने अपने एंड पर चेक कर ली है आवाज़ मेरे एंड से तो आ रही है आप अपने एंड से बता दीजिए जल्दी से एंड कल हम कोटेशन भूल गए थे तो अभी कोटेशन ही ढूँढ रही थी मैं मैंने कॉमेंट्स पढ़े मुझे अच्छा लगा यार कि मिस हो गई तो तुम्हें याद था कि मिस हो गई ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है नहीं हुई तो छोड़ो चलो ऑन रिक्वेस्ट अब तो मैं ये बोलूंगी <laughs> एक मिनट चलो ओके दिस इज गुड वन व्हाट आर नेगेटिव थॉट्स व्हाट आर नेगेटिव थॉट्स शेयर जरूर करना पॉज करके ना मेरे तो कमेंट्स में लिख कर आओ व्हाट आर नेगेटिव थॉट्स ठीक है द द एब्सेंस ऑफ गुड थॉट्स व्हाट आर नेगेटिव इमोशंस द एब्सेंस ऑफ गुड थॉट्स तो वो बेसिकली इसका मैं आपको बताती हूँ ज़्यादा डिटेल में थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे तो बेसिकली जो हम इमोशंस जो होते हैं ना हम जैसा फ़ील करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे थॉट्स से आते हैं ठीक है जब हमें ड्रा अपने थाट्स आते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ठीक है ना और आपके दिमाग में थाट आ गया कि यार अगर मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो उतना डर लगता है ना क्योंकि आप उस थॉट के साथ अटैच हो जाते हो कि हाँ अगर मुझे थाट आ गया ना तो अब तो यही होगा क्योंकि जो हम सोचते हैं वो सच होता है येस बिल्कुल सही है तो फिर हम अच्छा क्यों नहीं सोचते हम बुरा क्यों सोचते हैं क्योंकि वी आर नॉट टॉट हाउ टू थिंक गुड है ना हमारे बेचारे परिवार वालों को भी नहीं आता तो हमें खुद ही सीखना पड़ता है हाउ टू थिंक गुड हाउ टू थिंक गुड कैसे सोचोगे अच्छा सुबह तो उठते ही अपने आप को बोलो कि आज मैं बहुत अच्छे थाट्स सोचूंगा आज मेरा डे वुड बी द मोस्ट प्रोडक्टिव डे ऑफ माई लाइफ आज मेरे जो भगवान है आप जिसको भी मानते हैं यू आर अ मुस्लिम यू आर अ हिंदू यू आर अ क्रिश्चन यू आर अ बुद्धिस्ट जैन वट एवर यू आर सम गॉड यू है ना तो उनको बोलो कि भाई आज आप मेरे साथ साथ चलोगे एंड इट वुड बी द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ मोस्ट प्रोडक्टिव ठीक है एंड आई विल थिंक गुड थाट्स तो जब भी कोई नेगेटिव थाट आए ना उसके साथ उसको सच नहीं मानना है उसको चेंज करना है कि नहीं ऐसा नहीं होगा ऐसा होगा ठीक है चलो आगे चलते हैं स्टार्ट करते हैं ऑडिबल है हाँ यार मैंने इतना भाषण दे दिया ऑडिबल मैंने अब पढ़ा कि है या नहीं At G20 summit in New Delhi earlier this month, United States President Joe Biden and others unveiled a US-backed infrastructure project to connect India, West Asia, and Europe with shipping lanes, rail networks, pipelines, and data cables. तो यहाँ पे एक इसकी बात करें G20 के अंदर India Middle East Europe corridor की बात करें ठीक है ना India Middle East Europe corridor की बात कर रहे हैं ठीक है तो इसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी connectivity और की India मिडिल ईस्ट इंडिया मिडल ईस्ट इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर ठीक है ना तो इससे क्या होगा ये क्या है यूएस बैग्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट To connect India, West Asia, and Europe with shipping lanes, rail networks. So basically, क्या कर रहे हैं? India इससे क्या हो जाएगा? India जो है इससे वेस्ट एशिया और यूरोप से कनेक्ट हो जाएगा दिस इज इम्पॉर्टेंट इंडिया किससे कनेक्ट हो जाएगा इंडिया कनेक्ट हो जाएगा वेस्ट एशिया और यूरोप से ठीक है और इसको क्या बोला जा रहा है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर ठीक है कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा व्हाट विल हैपन इन द चार्ट सेक्शन आई नीड द आंसर कनेक्टिविटी बढ़ेगी इंडिया के किसी देश के साथ तो क्या होगा व्हाट विल हैपन वी कर्लियर हाई लेवल यू एसदी है यू एस डेलीगेशन सऊदी अरेबिया चीजिंग नॉर्मलाइजेशन अग्रीमेंट बिटवीन सोनी किंगडम एंड यू एस स्टेट ऑफ इज़रेल टू ऑफ अमेरिकाज़ एलाइज इन द रीजन अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यू एस से क्या जाता है कि इसराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में जो रिलेशन हैं वो क्या हो जाएँ नॉर्मल हो जाए ठीक है क्या चाहता है कि यूएस यूएस क्या चाहता है कि इसराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में जो रिलेशन uh, है वो नॉर्मल हो जाए दे आर नॉट रेट फ्रेंडली रिलेशन नहीं है इनके बट ये चाहते हैं क्योंकि यूएस की इसराइल के साथ भी बनती है और सऊदी अरेबिया के साथ भी बनती है अब ये दोनों चा, ये चाहते हैं कि इन दोनों की भी आपस में बनने लग जाए ठीक है उसके बाद हाँ ट्रेड बढ़ेगी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी अगर ट्रेड बढ़ेगी वेरी गुड ठीक है ट्रेड बूस्ट होगी वेरी गुड डेरिक आरव योर हार्ट समायरा भव्य वेरी गुड यस ट्रेड बढ़ेगी तो हमारी इकोनमी पे बेनिफिट होगा ठीक है ना हम चीज़ें बेच पाएंगे वहाँ पर पहुँचा पाएंगे ठीक है ना और हमें ऑल्टरनेट रास्ता भी मिलेगा है ना अभी हमें ऑल्टरनेट रास्ता मिलेगा अगर आगे जाके फ्यूचर में कोई भी किसी कंट्री के साथ हमारा कुछ भी मुड़मुड़ाव होता है तो वी विल हैव सॉरी फॉर द बब ऑप्शन्स वी विल हैव ऑप्शन यस सो दैट्स अ गुड थिंग बैड थिंग दैट्स अ गुड थिंग राइट उसके बाद जी ट्वेंटी स्टैंडिंग इट सीक्स टू बिल्ड एन इकॉनॉमिक कॉरिडोर फ्रॉम इंडिया वेस्टर्न कोस्ट थ्रू द गल्फ यू सऊदी अरेबिया जॉर्डन एंड इसल टू मेडिटेरेनियन ब्रिंगिंग इंडिया इंड यूरोप क्लोजअप ठीक है अब इसके अंदर क्योंकि यू ए ठीक है इस सऊदी अरेबिया और इसराइल इन्वॉल्व है तब भी चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया और इसराइल के बीच में फ्रेंडशिप बन जाए तो ये जो कॉरिडोर है फिर ये बहुत ईजिली पॉसिबल हो पाएगा अगर यहाँ पे क्वेश्चन सेट क्या आ सकता है ये हम लिखेंगे बट यहाँ पे लिखेंगे द कॉरिडोर अनाउंस्ड कॉरिडोर आप ऐसे लिख सकते हो द अबव कॉरिडोर अनाउंसड जी ट्वेंटी समििट Seeks to build cor the corridor would run through, yes, any corridor will run through India's western court coast through Gulf, UAE, and Saudi Arabia. डन एंड इसल टू मेडिटेरेनियन रिंगिंग इंडिया एंड यूरोप क्लोजअप अब यहां पर क्या कह रहे हैं ये बता रहे हैं कि ये रास्ता जाएगा कहाँ से क्या बता रहे हैं कि ये रास्ता जाएगा कहाँ से ये इंडिया की वेस्टर्न कोस्ट को कनेक्ट करेंगे गल्फ़ के साथ यू सऊदी अरेबिया ठीक है जॉर्डन के साथ इजराइल के साथ टू मेडिटेरेनियन। तो इससे यूरोप के पास में आ जाएगा इंडिया ठीक है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ठीक है उसके बाद इफ दिस प्रोजेक्ट टेक्स ऑफ अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है सच में दैट इट कुड रिटेन इट्स चैनल ऑफ इन्फ्लुएंस इन वेस्ट एशिया यू एस जो है वो इंफ्लुएंस कर पाएगा कंट्रोल द मेजर शिपिंग लेस एंड रिश्योर इट्स ए लाइज ऑफ इट्स स्टेइंगी ए लाइज का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स ग्रुप जो एक ही ग्रुप के अंदर है पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप ठीक है उसको भी ए लाई कह देते हैं दिस वॉज़ एविडेंट इन Saudi UAE यू ए डेटिन डेटिन का मतलब क्या होता है दोस्ती द ईजिंग ऑफ हॉस्टिलिटी और स्ट्रेन रिलेशंस ठीक है ना तो डेटिन ये लिख लेते हैं पहले पॉइंट लिखेंगे पॉइंट बनेगा ये हमारा ये वैसे ना अलग से बनाते हैं ठीक है We will मेक इट सेपरेटली जस्ट अ सेकेंड यहाँ पे हम लिखेंगे और फिफ्थ पॉइंट फोर्थ पॉइंट बना लेंगे अलग से कि तुम्हें पता चले रिविजन के टाइप पे कि ये अलग पॉइंट पे गए हैं ठीक है ना एविडेंट इन सऊदी यू एजिंग ट्रेंड रिलेशन मतलब जो प्रॉब्लमेटिक रिलेशन है उनमें ईजिली क्या आना विद ईरान ठीक है ये दोस्त बन रहे हैं है ना चाइना वाला जो सीन हुआ ठीक है ना दोस्त बन गए द डिसीजन टू एंड द सऊदी रेड ब्लॉकेड ऑफ कतर देखो यार पता क्या था पहले सऊदी अरेबिया जो था स्पेसिफिकली ये हमेशा से किसकी साइड लेता था इट यूज़ टू टेक साइड ऑफ यू ठीक है ए का बहुत तकड़े वाला दोस्त था और ऐसे तकड़े वाले दोस्त को क्या बोल सकते हैं क्लाइंट स्टेट्स क्या बोल सकते हैं ऐसे तकड़े वाले दोस्त को वॉट कैन वी से क्लाइंट स्टेट क्लाइंट स्टेट क्या होते हैं यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्लाइंट स्टेट अ कंट्री दैट इज इकोनॉमिकली अ कंट्री दैट इज इकोनॉमिकली डिपेंडेंट नहीं सभी चीजों के लिए इकोनॉमिकली पॉलिटिकली मिलिट्री के लिए पॉलिटिकली मिलिटरली डिपेंडेंट ऑन अन अदर कंट्री ठीक है ना तो ये पहले डिपेंड करती थी यू एस ए पर बट अब देखा जा रहा है कि ये डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं अरब वाले सऊदी अरेबिया वाले यू ए ई वाले अपनी डिपेंडेंसी यू एस के ऊपर कम कर रहे हैं इसी यही ऑर्डर ने लिखा है सऊदी अरेबिया यू ए ई आर ऑल्सो ट्राइंग टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज इन ऑफ यू एस गोल्स एंड स्ट्रेंथनिंग टाइज विद राइजिंग पावर्स देर डिसीजन टू जॉइन द ब्रिक्स ग्रुपिंग ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका की ग्रुपिंग ज्वाइन करने का भी पर्पज़ यही है कि ये अमेरिका के साथ भी दोस्ती रखना चाहते हैं बट पहले इनका फंडा क्या था जैसे स्कूल के अंदर होता है ना कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है अब यही मेरा सब कुछ है ठीक है और फिर तुम्हें डिसाइड करते हो कि नहीं अब मैं सबका फ्रेंड हूँ मुझे जो जो फ्रेंड मानना चाहते मानो ठीक है दोस्त ही दोस्त ऐसे लोग होते हैं ना जो एक ही दोस्त को दोस्त मानते हैं और एक होते हैं जिनका हर कोई दोस्त होता है तो सऊदी कहता है अब अब मैं हर किसी को अपना दोस्त बनाऊंगा जितने भी कंट्रीज मेरे दोस्त बन सकते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें ठीक है तो ये बन रहा है सऊदी का सेकेंड द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन डिस्पाइट सिट लिमिटेड इंगेजमेंट कंटिन्यू टू सी ईरान एज हॉस्टेल पावर ठीक है ईरान जो है उसको अभी भी वो अपना दुश्मनी समझता है एनिमी समझता है ठीक है ना ईरान जो है वो न्यूक्लियर होना चाहता है ठीक है उसके ऊपर ट्रेड सेंकशंस लगे हुए और भी सेंकशनस लगे हुए हैं बट इसके साथ भी बहुत कुछ चेंज हो रहा है यू का ठीक है ईरान जो है वो यू का भी अनमी है और इसराइल का भी अनमी है बट इसल किसका दोस्त है यू का ये या, यार ये देखो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना ये कॉन्सेप्ट हैं कौन किसका दोस्त है ये दिमाग में रखना होता है ठीक है अब यहाँ पे By reaching a डेटा इन विद इरान गल्फ अरब हैव मेड इट क्लियर दट दे वुड नॉट लाइक टू गेट स्टक इन ईरान इसराइल राइवलरी ठीक है अब वो कह रहे हैं कि ईरान और इसराइल जो है वो आपस में दुश्मन है ठीक है ना वो इसमें स्टिक नहीं होना चाहते तो इसलिए इन्होंने ईरान के साथ तो दोस्ती कर ली है ठीक है ना नहीं तो पहले क्योंकि यू एस ए के साथ थे यू एस ए इसराइल के साथ था तो कहीं ना कहीं इनके आपस में इनको यू एस ए की सुननी पड़ती थी बट अब वो उस लूब में से निकल गए हैं चलिए पीपल काउंट अब यहाँ पे सेंसस की बात हो रही है फर्स्ट सेंसस कब हुआ मतलब सेंसस 1881 से हर 10 सालों बाद इंडिया में सेंसस होता है वॉट इज सेंसस काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन ठीक है ना काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन सॉरी फॉर सेंसस कलेक्ट्स पॉपुलेशन डाटा दैट इज क्रूशियल टू प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अब वो कह रहे हैं जो काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन है जो डाटा इकट्ठा होता है वो किसके लिए बेनिफिट होता है बेनिफिशियल बेनिफिशियल और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पॉलिसीज़ तो so, वो कह रहे हैं कि जो भी काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन होती है उसके साथ बहुत सारा डाटा भी इकट्ठा होता है आपकी इनकम कितनी है बच्चे स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं यहाँ पर पानी आता है या नहीं आता साफ है ये चीज़ें या नहीं है बहुत सारी चीज़ें जो भी गवर्नमेंट को यू नो पॉलिसी जिसमें लगता है कि हमको बनानी है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने कुछ भला करना है लोगों का कुछ चीज़ देनी चाहिए गवर्नमेंट को वो डाटा जो है ये लोग इकट्ठा करते हैं ये जो सेंसर्स कंडक्ट होता है ठीक है अब यहाँ पे ऑर्डर कह रहे हैं भैया है, हर दस साल बाद कंडक्ट हो रहा था ठीक है इंडिया हैज कंडक्टेड इंडिया हैज कंडक्टेड द सेंसस एवरी टेन ईयर्स सिंस एटीन एटी वन ठीक है ना सिंस एटीन एटी वन ठीक है हर दस साल बाद इंडिया के अंदर पॉपुलेशन काउंटिंग हुई है ठीक है ना तो इसको क्या बोलते हैं हर दस साल बाद जो चीज हो उसको डेसेनियल बोलते हैं एक्सरसाइज क्या बोलते हैं मेरा पेन रुक गया था मैं दोबारा लिख रही हूँ इसीलिए ताकि अच्छे से लिखा जाए ठीक है जी फॉर द ट्वेंटी ट्वेंटी अब यहाँ पे कब ड्यू था इट वॉज ड्यू इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी ट्वेंटी कोविड आ गया कोविड आ गया ठीक है और उसके बाद वो हुआ ही नहीं हर दस साल बाद ट्वेंटी ट्वेंटी वन में होना चाहिए था पर नहीं हुआ ठीक है ना अब गवर्नमेंट क्या कह रही है होम मिनिस्टर अमित शाह से टू टेक प्लेस आफ्टर इलेक्शंस ठीक है अब सेंसर्स जो होगा पॉपुलेशन काउंटिंग जो होगी सेंसर्स होगा उसके साथ साथ ही क्या होगा डीलिमिटेशन होगी क्या होगा डीलिमिटेशन होगी डीलिमिटेशन मुझे बताएगा कौन क्या होता है रीड्राइंग ऑफ बाउंड्रीज याद नहीं रहता तुम्हें इतनी बार बताती हूँ मैं तुम्हें रीड्राइंग ऑफ बाउंड्रीज ऑफ लोकसभा मतलब जिस स्टेट के पास जितने नंबर ऑफ एम एम पीज़ वहाँ से आते हैं वो चेंज हो जाएगा है ना वो किसके बेसिस पे होगा पॉपुलेशन के बेसिस पे होगा क्योंकि अगर एक एरिया यहाँ से अभी एक पर्सन आ रहा है और पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है तो शायद यहाँ से एक हो जाएगा और यहाँ से एक हो जाएगा तो इंक्रीज़ हो जाएगा जिन स्टेट्स की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है वहाँ से लोग बढ़ जाएंगे एम पीज़ बढ़ जाएंगे मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट बढ़ जाएंगे उन स्टेट की वोटिंग मतलब ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगी वो स्टेट्स ठीक है तो डी होगी सेंसस के बाद डीलिमिटेशन होगा और सेंसस आफ्टर 2026 विल बिकम द बेसिस ऑफ द नेक्स्ट लिमिटेशन ऑफ 2026 ट्वेंटी लिमिटेशन कब ड्यू है 2026 में ड्यू है ड्यू इन 2026 ठीक है द बीजेपी मे हैव इंसेंटिव वो कह रहे इन्होंने इसलिए नहीं करी क्योंकि इनको इंसेंटिव मिलेगा इनको इस इलेक्शन में फ़ायदा होगा ठीक है ना और फिर और क्या होगा इसके बेसिस पे एक और चीज़ होगी वो क्या है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर नेशनल

यूजुअल रेजिडेंट्स का डाटा यूजुअल रेजिडेंट्स कौन से हो गए जो सिटीजन्स भी हैं जो वैसे भी आए हुए हैं जो रह रहे हैं तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एन में ये डाटा जो है इकट्ठा भी होगा ये भी सेंसस के साथ साथ हो सकता है उसके बाद में हो सकता है कुछ भी ऐसा सा होगा ठीक है जो थर्टी थ्री परसेंट रिजर्वेशन प्रोवाइड करी है वो मैं इनको वो भी कह दिया कि सेंसस के बाद ही एप्लीकेबल होगी ठीक है इसमें आधार का डाटा और एक और चीज़ हो रही है यहाँ पर वो क्या हो रहा है डिजिटाइजेशन डिजिटल सेंसस ये क्या होगा फर्स्ट ई सेंसस भी होगा डिजिटल सेंसस भी होगा ये ठीक है सेल्फ एन्यूमरेशन भी होगी क्या होगी सेल्फ एन्यूमरेशन भी होगी सेल्फ एन्यूमरेशन मतलब पहले क्या था कोई और आता था और फिर ही फॉर्म फिल कर सकते थे अब आप यू कैन फिल द फॉर्म बाय योर सेल्फ ऑल्सो क्या कर सकते हो यू कैन फिल द फॉर्म योर सेल्फ ऑल्सो ई सेंसस मतलब ऐप के थ्रू सेंसस ऐप के थ्रू एप्लीकेशन होगा डिस्प्ले वो होगा पहले पेपर पर पे होता था ये सारा कुछ अब ई e सेंसस होगा सेल्फ एन्यूमरेशन आप खुद से फॉर्म भर सकते हो ठीक है और जो एक और चीज़ इस सेंसर्स की बात है रेगुलर अब क्या होने लग गया है हमने पढ़ा कि रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री जो है अमेंड हुआ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट अमेंड हुआ 2023 के अंदर किसको इसको ये बात पता है जिसको नहीं पता है, मैंने अब बता दी तो आपको भी पता है ठीक है अमेंडमेंट या यहाँ पे लिखेंगे अमेंडमेंट ऑफ अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ इन 20 एक्ट 2023 in 2023 will help a centralized population register electoral register adhar ration card passport डाटा बेसिस क्या होगा दे अपडेटेड स्टोरड एक मिनट इसमें मैं आपको ये समझाऊंगी एक बार लिख लीजिए सेंट्रली स्टोर्ड डाटा विल बी अपडेटेड रियल टाइम विदाउट ह्यूमन interference interface leading to addition and deletion from electoral roles on birth on turning 18 and death a देखो यार यहाँ पे बेसिकली इन्होंने ना सेंसर्स का सारा बताया है ठीक है रेपिटेटिव है बहुत बार पढ़ा है हमने बट मैं तो पढ़ाऊँगी ना जब बहुत देर बाद आता है तो आई टेन टू टीच यू दैट कॉन्सेप्ट ठीक है तो यहाँ पर सेंसर्स क्या होता है काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन उससे जो डाटा इकट्ठा होता है वो पॉलिसी बनाने में हमें मदद करता है क्योंकि बताता है कि एक्चुअल नीड क्या है रिक्वायरमेंट क्या है जनता की ठीक है इंडिया हैज़ कंडक्टेड सेंसेस हर दस साल बाद 1881 से सेंसेस कंडक्ट हुआ 2021 में ड्यू था ड्यू टू कोविड नहीं हो पाए 1881 जो है इज अंपॉर्टेंट डेट ठीक है उसके बाद ईयर सॉरी नॉट डेट टेन ईयर्स के बाद जो चीज़ कंडक्ट हो उसको क्या कहते हैं डेसेनियर एक्सरसाइज कहते हैं डेसेनियर वर्ड जो है वो आपके इंग्लिश के अंदर मीनिंग्स में पूछा जा सकता है इट हैज़ इट हैज़ इट वॉज ड्यू इन मैं अपनी राइटिंग ही नहीं समझ पा रही यार वॉल्स ठीक है ठीक कर दिया मैंने चलो होम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं कि भैया इलेक्शंस के बाद ही हमारे इलेक्शंस कब ड्यू हैं जनरल इलेक्शंस लोकसभा के इलेक्शन 2024 में उसके बाद ही सेंसस अब होगा सेंसस से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं डिलिमिटेशन रीड्रॉइंग ऑफ कॉन्टीटेंसीज होगा ठीक है लोकसभा की बाउंड्रीज रीड्रॉ करी जाएंगी वो जो ड्यू हैं ट्वेंटी में ठीक है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का डाटा इकट्ठा किया जाएगा कि यूजअल रेजिडेंट्स कौन कौन रह रहे हैं यहाँ पर सेल्फ एन्यूमेशन हो पाएगा इस बार सेंसस में जो भी नेक्स्ट सेंसस होगा सेल्फ एम्यूम्रेशन मतलब हम खुद से फॉर्म फिल कर सकते हैं अपना ठीक है डिजिटल सेंसस होगा पेपर पेन पेपर सेंसस होता था अब डिजिटल सेंसस होगा ठीक है अमेंडमेंट ऑफ़ रजिस्टर ऑफ बर्थ एंड डेथ हुआ ठीक है क्यों हुआ यहाँ पे क्या क्या कहा गया कि अब से जो भी बच्चा जन्म लेगा बर्थ लेगा उसका ई बर्थ सर्टिफिकेट इशू होगा और जो ई बर्थ सर्टिफिकेट है यही उसकी पैदा होने की निशानी है यही उसका आधार कार्ड के लिए ज़रूरत होगी यही चीज़ उसको वोटर आई के लिए चाहिए होगी जब ये बच्चा एटीन ईयर्स का हो जाएगा तो खुद ब खुद उसका इलेक्टोरल रोल्स में नाम आ जाएगा इलेक्टोरल रोल्स क्या होती हैं इलेक्टोरल रोल्स वो लिस्ट होती हैं जिसमें बच्चे अगर आपका नाम हो तभी आप वोट कर सकते हो अगर आपका नाम ना हो तो आप वोट नहीं कर सकते तो ये अपने आप हो जाएगा जब ये बच्चे की डेथ हो जाएगी ठीक है ना ये बच्चा बुढ़ा हो जाएगा और इसकी डेथ हो जाएगी तो इलेक्टोरल रोल्स में से इसका खुद ब खुद नाम रिमूव भी हो जाएगा ये क्या है ऑटोमेटेड होगा ये सब कुछ ठीक है इसमें क्या करेंगे जो बर्थ हुआ स्टेट में हुआ किसी में बट वो स्टेट डाटा इकट्ठा करेगी और डाटा इकट्ठा करके सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑनलाइन ही भेज देगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक पूरी कंट्री हमारी पूरी इंडिया का डाटा होगा कि आज कितने बच्चे जन्म लिया कितने की डेथ हो गई एड डिलीट कितने बच्चे 18 ईयर्स के हो गए वो एड हो जाएंगे डिलीट हो जाएंगे ये सब क्या हो जाएगा ऑटोमेटेड हो जाएगा दिस विल बी ऑटोमेटेड राइट तो यही इसके अंदर बताया गया पूरा ओके okay, चलो पॉलिटिकल रेड हेयरिंग द रिसेंट अनाउंसमेंट बाय द यू एस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर रिपब्लिक केविन वैंक देखिए यू एस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर कौन है ये हमें अब लिख लेना चाहिए कल मैंने इतना ज़्यादा वो किया नहीं था मुझे था एक ही बार आ रहा है न्यूज़ में तो यू एस हाउस ऑफ रीप्रजेंटेटिव स्पीकर रिपब्लिकन पार्टी को बिलोंग करते हैं केविन मै ठीक है ये अभी अभी इसी साल अपॉइंट हुए तो इंपॉर्टेंट है ये तो जो बाइडन को जो इम्पीचमेंट वाला सिस्टम है उसकी बात करें डर्थ मतलब कमी नहीं है किसी इसी चीज की ठीक है अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि क्यों ले रहे हैं जो बाइडन के अगेंस्ट एक्शन क्यों ले रहे हैं क्यों ले रहे हैं जल्दी बताओ क्यों ले रहे हैं जो बाइडन के अगेंस्ट एक्शन हु इज जो बाइडन जो बाइडेन के अगेंस्ट एक्शन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कहा जा रहा है दैट फाइनली क्लेम्स बेस्ड ऑन अनवेरीफाइड एफ बी आई टिप दैट मिस्टर बाइडन पेड ऑफ़ प्रोजिक्यूटर्स टू एंड एन इंक्वायरी इन टू भूजमा अ यूक्रेनियन एनर्जी फॉर्म ऑन हुज बोर्ड हंटर बाइडन हैड अ सीट हैव ऑल्सो फेल्ड टू अनर्थ अ स्मोकिंग गन सो टू एलिगेशन बेस्ड ऑन द टेस्टमेनी ऑफ टू विस्टल बोर्ड दैट जस्ट द जस्टिस डिपार्टमेंट इंटेंशनली इंटरफेयर इन अ मल्टी ईयर इन्वेस्टिगेशन इयर हंटर्स टैक्स रिटर्न इवन इफ़ मैं कार मैनेजर्स तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर इनके अगर से हो भी जाती है तो इम्पीचमेंट एक्चुअली नहीं भी नहीं होगी क्योंकि वो बच जाएगा सेनेट के अंदर वो बचा लिया जाएगा तो यहाँ पर हमें जो पॉइंट नोट करना है वो है ये वाला ठीक है तो हम यहाँ पर हैडिंग दे सकते हैं जो बाइडन एम्पीचमेंट ठीक है अब ये ये लिखेंगे हम प्रोजीक्यूटर्स Mr. Biden paid prosecutors to end inquiry into Burisma, a Ukrainian energy firm. On whose board Hunter Biden had a seat. ठीक है हंटर बाइडर कौन है जो बाइडन का बेटा तो ये कर, ये करने के सिलसिले में इम्पीच किया जा सकता है ठीक है ना चलिए अब यहाँ पे अ क्लियर मैसेज टू इंडस्ट्री ऑन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यार मीडिएशन बिल ठीक है मानसून सेशन में ठीक है बोथ हाउसेस बोथ हाउसेस पास्ट मीडिएशन एक्ट 2023 ठीक है एक मिनट रुको मैं एसी थोड़ा कम कर दूं बहुत ठंडी हो गई है एनी कॉन कॉन्वर्सेशन अबाउट द इंडियन लिटिगेशन सिस्टम लिटिगेशन क्या होती है जो कोर्ट में केसेस होते हैं उसको लिटिगेशन बोलते हैं ठीक है सिस्टम इवेंचुअली वेयर्स आउट टू द टर्म ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या होती है तो ना हम टर्म्स लिखते जाएंगे उनकी अंडरस्टैंडिंग करते जाएंगे ठीक है तो मीडिएशन इज अ फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वॉट इज़ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कोर्ट से अलग ठीक है इट इज़ अ टाइप ऑफ मकैनिज्म यहाँ पर लिखा ही हुआ है यार चलो रेफर्स टू बुके ऑफ़ मकानिज्म दैट इनेबल्स डिस्प्यूट डिस्प्यूटिंग पार्टीज टू रिजोल्व द डिफरेंसिस एमिकेबली विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट ठीक है इसको क्या बोलते हैं ए डी आर भी बोलते हैं ए डी आर भी बोलते हैं इसको ठीक है ए डी आर भी बोलते हैं इसको ए डी आर Refers to various types of mechanisms that enable disputing parties to resolve their differences. Emmy without intervention of coats. तो बेसिकली क्या कहना चाहते हैं ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ठीक है अगर हम ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो टर्म है वो ही पढ़ते हैं तो हमें क्या ऑल्टरनेटिव मतलब किसी चीज़ का कोई सेकेंड ऑप्शन होना ऑल्टरनेटिव ये या कोई और ऑप्शन होना वेरियस ऑप्शन होना ऑल्टरनेटिव का मतलब ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है वेरियस ऑप्शन होना ठीक है ना ठीक है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट डिस्प्यूट मतलब कुछ पंगा है कुछ प्रॉब्लम है कुछ इशू है ठीक है मतलब किसी इशू को सॉल्व करने के वेरियस ऑप्शन होना रिजॉल्व करने के रेजोल्यूशन तो दैट इज द टर्म ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन तो इस टर्म के अंदर एक्सप्लेनेशन बैठी है जिसको ए डी आर भी कहते हैं रेफर्स टू वेरियस टाइप्स ऑफ मकैनिज्म दैट इनेबल डिस्प्यूटिंग पार्टीज जो पार्टीज का डिस्प्यूट है जिन पार्टीज का वो उसको ख़त्म कर पाएँ कैसे डिस्प्यूट फिनिश देर डिफरें डिफरेंसेज एमिकेबली इन अ फ्रेंडली मैनर विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट कोर्ट्स की इंटरवेंशन नहीं होती है तो ये कौन कौन से टाइप की होती है आर्बिट्रेशन मीडिएशन ठीक है आर्बिट्रेशन मीडिएशन <coughs> और कंसिलशन ठीक है ये तीन टाइप के होते हैं तो आज हम बात करने वाले हैं मीडिएशन के बारे में ठीक है किसके बारे में बात करने वाले हैं मीडिएशन के बारे में क्यों क्योंकि मीडिएशन एक्ट 2023 पास हो गया है बोथ हाउसेज हैव पासड इट तो आगे पढ़ेंगे गिवन द डिलेज इन इंडियन कोर्ट प्रोसीडिंग एंड इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ़ लिटिगेशन द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया इन इंडिया के नॉट बी अंडरस्टेटेड अब यहाँ पे लोग जाते क्यों हैं क्योंकि क्या लोग जाते हैं ऐसे क्यों क्योंकि बेनिफिट्स क्या हैं इसके वॉट आर द बेनिफिट्स इसके बेनिफिट्स क्या हैं इनएक्सपेंसिव ठीक है और स्पीडी स्पीडी मतलब जल्दी जल्दी डिसीजन हो जाता है स्पीडी डिसीजन इन एक्सपेंसिव ठीक है तो ये इसके बेनिफिट्स हैं उसके बाद आर्बिट्रेशन के लिए कौन सा एक्ट ऑलरेडी है आर्बिट्रेशन एंड आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट बेसिकली मोस्टली ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह में होता है उसमें होता है जो पार्टीज करती है तो आर्बिट्रेशन होता है कोर्ट में नहीं जाती है आपस में बैठ कर, चीज़ें सुलझा लेते हैं और एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लेते हैं जो चीज़ों को देखता है इन द रिसेंट मानसून सेशन पार्लियामेंट बोथ ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट पास द मीडिएशन बिल 2023 अपॉन रिसीविंग द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रेफर टू एज मीडिएशन एक्ट 2023 ठीक है बोथ हाउसेस हैव पासड इट प्लस प्रेसिडेंट का एसेंट भी मिल गया है मतलब प्रेसिडेंट का एसेंट का मतलब क्या होता है अप्रूवल मिल गया है प्रेजिडेंट का तो अब ये जो एक्ट है ये जो बिल था ये क्या बन गया ये लॉ बन गया एक्ट का मतलब क्या होता है ये एप्लीकेबल है हमें ये लॉ बन गया है राइट अब इसके अंदर जो नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ेंगे उसके रूल्स एंड रेगुलेशन दें इंडियन लीगल फ्रेमवर्क ऑलरेडी इंक्रेजेस कोर्ट्स टू रेफर द डिस्प्यूटिंग पार्टीज टू ए डी वो कह रहे हैं वहाँ पर अभी भी मोस्टली बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं स्पेशली जो फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मीडिएशन होती है कि ठीक है ना चीज़ें ऐसी सुलट जाएँ कोर्ट को इंटरवीन ना करना पड़े ठीक है ना तो ये होता ही है होता आ रहा है अब यहाँ पर द पोटेंशियल बेनिफिट्स आर सेवरल द रिक्वायरमेंट इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस फाइलिंग ऑफ प्रवलस क्लेम्स बिफोर इंडियन कोर्ट्स अब यहाँ पे ऐसे मिस नहीं कर सकते यहाँ पे पॉइंट लिखते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ अ प्रायर मीडिएशन अग्रीमेंट इट विल ऑब्लीगेट ई टेक स्टेप्स टू सेटल द डिस्प्यूट्स थ्रू प्री लिटिगेशन मीडिएशन बिफोर अप्रोचिंग इन एंड इंडियन कोर्ट मैंने क्या कहा था लिटिगेशन कै कोर्ट में जाना लिटिगेशन ठीक है कोई भी अगर लॉयर आपको बोले कि मैं लिटिगेशन कर रहा कराऊँ मतलब मैं कोर्ट में प्रैक्टिस करूँ किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करना इज लिटिगेशन ठीक है इस ना इट इज अ पार्ट ऑफ वन टाइप ऑफ फील्ड एक टाइप ऑफ फील्ड है लॉ के अंदर ठीक है इट इज़ लिटिगेशन दैट इज प्रैक्टिसिंग इन द कोर्ट लिटिगेशन मतलब कोर्ट में जाने से प्री लिटिगेशन मतलब कोर्ट में जाने से पहले मीडिएशन मैंडेटरी कर दी है ठीक है तो यहाँ पर हम लिखेंगे Uh, अब यहाँ पे एक लाइन मार लेंगे इसका मतलब ये कि जो एक्ट में दिया हुआ है अब हम वो पढ़ रहे हैं ठीक है तो ये पॉइंट चाहे फोर्थ ही रहने देंगे हम तो यहां पे क्या कह रहे हैं मैंडेटरी फॉर पार्टीज टू टेक स्टेप्स टू सेटल डिस्प्यूट थ्रू प्री लिटिगेशन ठीक है अरे थ्रू मीडिएशन प्री लिटिगेशन मैंने गलत लिख दिया थ्रू मीडिएशन बिफोर अप्रोचिंग एंड इंडियन कोर्ट जिसके लिए इन्होंने टर्म यूज करी है री लिटिगेशन तो अगर वहां पे वो ये टर्म यूज करी हो तो आप कंफ्यूज नहीं हो लिटिगेशन का मतलब कोर्ट में केस जा रहा है ठीक है टू फैसिलिटेट कोर्ट्स नहीं केस इन कोर्ट ऐसे लिख लेते हैं केस इन कोर्ट अब यहाँ पर आगे पढ़ेंगे तो पोटेंशियल बेनिफिट्स है सेवरल दिस रिक्वायरमेंट इज़ एक्सपेक्टेड तो टू रिड्यूस द तो फाइलिंग ऑफ रिवलस क्लेम्स बिफोर इंडियन कोर्ट्स अब इससे क्या होगा ये क्या कहने की कोशिश करें किसी को समझ में आया कि ये क्या कहने की कोशिश करें कि अभी क्या होता है तुम्हें किसी से दिक्कत है ठीक है तुम लॉयर के पास जाते हो लॉयर सीधा केस फाइल करता है कोर्ट के अंदर है ना यही होता है इंडियन कोर्ट के अंदर जाते हो डायरेक्टली बट अब तुम्हें पहले मीडिएशन करनी पड़ेगी मतलब आपस में बैठ कर ट्राई करना पड़ेगा कि तुम इस डिस्प्यूट को यहीं पर ख़त्म कर दो तुम्हें कोर्ट में जाने की ज़रूरत ना पड़े अब तुम कहोगे ऐसा क्यों ये तो गलत बात है हमको तो कोर्ट की जाना है हमको तो जज की शक्ल देखनी है अब वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्रिवलेस क्लेम्स जो छोटे मोटे जिसको ट्रिवुलल इशूज़ भी बोलते हैं मतलब छोटे मोटे ईशूज़ ठीक है अब मे भी कोई इशू है तुम्हारा जो पड़ोसी है वो तुम्हारे घर के आगे गाड़ी खड़ी करता है है ना कई नेबर्स को आदत होती है वो तुम्हारे घर के आगे ही खड़ी करेंगे उनको आदत है उनको मजा आता है किक मिलते हैं उनको ज़िंदगी की अब तुम बहुत बहुत प्रॉब्लम है तुम अपनी गाड़ी कहाँ खड़े करो तो फिर तुम कोर्ट में जाते हो राइट अब तुम्हारी पहले मीडिएशन होगी जिसमें एक मीडिएटर बैठेगा मीडिएटर मतलब बीच में बैठेगा इंसान जो ट्राई करेगा कि तुम्हारा डिस्प्यूट ख़त्म हो जाए वहीं पर और इसे क्या कह रहे हैं ओइंग टू द कॉन्फिडेंशियलिटी कॉन्फिडेंशियलिटी सीक्रेट सीक्रेट ठीक है जो कोई रखता नहीं आजकल तुम किसी को बोलो यार ये किसी को बताना मत ठीक है तो सबसे पहले तुम्हारा वो बताए गई कॉन्फिडेंशियलिटी होती है मीडिएशन के अंदर इट मे ऑल्सो मिटिगेट द रिस्क ऑफ डिट्योरेशन ऑफ द पार्टीज रिलेशनशिप ठीक है तो डिट्योरेट नहीं होगा रिलेशन अब क्या कोर्ट के अंदर देखो ओपन कोर्ट होती है अगर तुम कभी कोर्ट में जाओगे स्पेशली फैमिली कोर्ट में जाओगे डायवोर्स केस चल रहा है या फिर हस्बैंड वाइफ की लड़ाई है ठीक है अब उसके अंदर चीज़ों को बैक ऑन ट्रैक लेकर आना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इवन बहुत छोटे छोटे इशूज़ होते हैं कभी कभी ठीक है बट क्योंकि पब्लिकली इज़्ज़त उछली होती है तो कहीं ना कहीं दोनों राजी नहीं होते बट अगर एक बंद कमरे में दो लोग हैं और तीसरा एक और है तो थोड़ा सा ना सीक्रेसी रह जाती चीज़ों में ये एट द सेम टाइम कंसर्नस आर रेस्ड अबाउट रीजनेबिलिटी ऑफ मीडिएशन कंडक्टेड अंडर द स्वर्ड ऑफ एंड ऑब्लीगेशन अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट के तो कुछ तो इसके फेवर में कि हाँ यार चलो ठीक है सीक्रेसी है कॉन्फिडेंशलिटी है कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो गलत बात है हमको तो डायरेक्ट कोर्ट में जाना है ये तो बहुत डिले हो जाएगा ये ये हो जाएगा तो दोनों टाइप की चीज़ें हैं

या थोड़ा ना में एक्टिव रहा करो स्पैम नहीं बट हाँ मुझे बताते रहा करो कि हाँ समझ में आ रहा है ठीक है या मैं बोल दूंगी तो तब तो लिखी दिया करो ठीक है मीडिए मीडिएशन टू बी कंडक्टेड बाय एन इम्पैनल्ड मीडिएटर वो मस्ट बी न्यूट्रल अब यहाँ पे ये क्या कहने चाह रहे हैं मीडिएटर कौन होता है जो बीच में बैठ कर ये बैठे हैं इन दोनों की लड़ाई है बीच में ये बैठ कर बात करवा रहा है ये दोनों आपस में भी कर रहे हैं तो ये सॉल्व करवा रहा है चीज़ों को ठीक है मीडिएटर होगा इन पैनल का मतलब क्या होता है सिलेक्टेड ठीक है पैनल मतलब ग्रुप ऑफ मीडिएटर्स होंगे जो गवर्नमेंट सेलेक्ट करेगी और वही मीडिएशन करवा सके ऐसा नहीं कोई भी बैठ के मीडिएशन करवाने लग गया ठीक है और ये न्यूट्रल होंगे ये किसी की भी साइड नहीं ले सकते अनकॉम्प्रोमाइजिंग एक्सपर्टीज़ होगी मतलब ये एक्सपर्ट्स होंगे मीडिएशन करवाने में इनको कोई कोर्स वगैरह कराया जाएगा कुछ क्वालिफिकेशन होगी कि लॉयर होना चाहिए इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए ये सब ये बताएंगे ठीक है सब्जेक्ट टू एक्सटेंशन by the parties they must also complete the mediation within 180 days ye be important hai 6 point mediation to be completed in completed within 180 days from the parties first appearance ऑन द अदर हैंड द एक्ट विल नॉट रिमूव द रिफ्यूज इंडियन कोर्ट्स इंटायरली मतलब यहां पे ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि आप इंडियन कोर्ट्स में जा ही नहीं सकते ना 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 ऐसा नहीं है ठीक है इंडियन कोर्ट्स में जा सकते हो ठीक है ये लिखेंगे पहले पार्टीज कैन अप्रोच कोर्ट्स टू सीक अर्जेंट इन reliefs from court before mediation or during अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पार्टीज कोर्ट नहीं जा सकती इन रिलीफ मतलब टेम्परेरी टेम्परेरी रिलीफ लेने के लिए टेम्परेरी रिलीफ लेने के लिए कोर्ट जा सकते हैं अब यहाँ पे मैं एग्जांपल देती हूँ ठीक है ना ए और बी हैं ठीक है ए ना ए लैंड ओनर है ठीक है बी उसका टेनेंट है ठीक है टेनेंट ने रेंट नहीं दिया पे किया नॉट पेड रेंट ठीक है लैंड ओनर बेचारा बहुत ही दुखी है दुख में है ठीक है अब क्या हुआ अब ये गए ए ए और बी तो क्या हुआ अब ये गए, गए मीडिएशन पे ठीक है मीडिएशन चल रही है इनकी कह रहे हैं कि भाई रेंट दे दो इतने में क्या हुआ मे बी जो टेनेंट है उसका जो रेंट ड्यू है वो टू रुपीज़ थ्री लाख है बहुत सालों से रेंट नहीं दिया उसने ठीक है उसने देखा मीडिएशन के अंदर कि यार मेरे अगेंस्ट ही डिसाइड होगा ठीक है तो तो टेनेंट ने धीरे धीरे सामान शिफ्ट करने लगा धीरे धीरे भागने वाली कोशिश करने लगा लैंड ओनर ने नोटिस किया ठीक है लैंड ओनर ने कोर्ट में जाकर एप्लीकेशन फाइल कर दी कि भैया ये तो मेरे रुपीज़ तीन लाख पे नहीं करेगा ये तो भाग रहा है तो उसके अंदर क्या किया जाएगा इंटरिम रिलीफ ठीक है बोला जाएगा कि भाई पे ऑफ पे करो उसको रोका जाएगा ठीक है नहीं तो वो भाग जाएगा ठीक है और इसकी और बेस्ट एग्जाम्पल ये थोड़ी लंबी हो गई एक और लेते ए और बी है यहाँ पर भी चलो अमन और बमन है ठीक है अमन और बमन है ठीक है अमन जो है वो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है ठीक है किसकी बमन की प्रॉपर्टी सेल ऑफ बमन ठीक है अब बमन मीडिएशन में गया कि देखो ये ऐसा कर रहा है बट इतने में इसने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए हैं बमन की प्रॉपर्टी के ठीक है अब इसको पता है कि भाई ये तो बेच जाएगा मीडिएशन वाला क्या कर लेगा तो ये कोर्ट में जाएगा कोर्ट स्टे लगाएगी कोर्ट बोलेगी वहाँ के तहसीलदार को जमामबंदी जिसके पास होती है जो भी है उनको बोलेगी कि तुम ये प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकते तो यहाँ पे इंटरिम रिलीफ के लिए कहाँ जाना पड़ सकता है कोर्ट और वो आप कब जा सकते हो बिफ़ोर मीडिएशन भी जा सकते हो और ड्यूरिंग मीडिएशन भी आप डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हो अगर आपको लगता है वो चीज़ ही खत्म हो जाएगी प्रॉपर्टी सेल होगी उसके बाद क्या होगा और प्रॉब्लम होगी या मे बी वो इंसान मिले ही ना तब जो है ये हो सकता है ठीक है द एम इज टू क्रिएट बैलेंस फ्रेमवर्क विच इनकेज द पार्टीज टू फोकस मोर ऑन द कॉमर्शियल डीलिंग जैसे ऑन डिस्प्यूट वो क्या कह रहे हैं कि लोग जो है ना अपने काम पे ज़्यादा फोकस करें यह डिस्प्यूट वाले काम जो हैं वो ईजी हो जाएँ इस वाली साइड से द एक्ट विल इफेक्टिवली पोजिशन मीडिएशन सिमिलर टू कॉमर्शियल सिमिलर इस्टबलिशमेंट ऑफ हाँ ये एक और पॉइंट है ठीक है मैंने बहुत धीरे धीरे आपको समझाया है आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ठीक है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया इक्वली मिरर्स जैसी है इक्वली मिरर्स और लाइक द प्रपोजल In twenty nineteen to establish an arbitration council of India, yet to be implemented. ठीक है ना तो यहाँ पे ये यह क्या बोल रहे हैं कि एक क्या होगी मेडिएशन मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया भी होगी जो बहुत सारी चीज़ें करेगी जैसे कि आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का बोला गया जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया आर्बिट्रेशन वाला बट हाँ उसी लाइन्स पर वैसी सी बनाई जाएगी ठीक है सिमिलर हाउ टू रिसेंट अमेंडमेंट्स प्रायरटाइज इंस्टीट्यूशनल तो इंस्टीट्यूशन भी होंगे जो आर्बिट्रेशन करवाएंगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे ये सब है आपने अगर ये आठ पॉइंट्स नोट करनी है तो इसमें से क्वेश्चन बन सकता है ठीक है एक फटाफट से रन थ्रू दे देती हूँ आर्बिट्रेशन ए डी आर क्या होता है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट मतलब कोर्ट से अलग सेटलमेंट कोर्ट की विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट की जो सेटलमेंट होती है मीडिएशन बिल जो है वो पास हो गया तो वो एक्ट बन गया मीडिएशन मीडिएशन एक्ट 2023 मीडिएशन एक्ट ये इसका नाम यस मीडिएशन एक्ट 2023 ठीक है अब इसमें क्या है आर्बिट्रेशन का आर्बिट्रेशन के लिए आर्बिट्रेशन कॉन्सिडेशन एक्ट 1996 है इसका ईयर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैडेट्री फॉर पार्टी अब यहाँ पे क्या ये लॉ क्या कहता है कि इट इज़ मैडेट्री कि इससे पहले कि आप लिटिगेशन आप कोर्ट्स में जाओ इस उससे पहले आपको क्या करवाना पड़ेगा मीडिएशन करवाना पड़ेगा क्या मीडिएशन से पहले या ड्यूरिंग में कोर्ट के पास जा सकते हैं हाँ अगर इंटेरम रिलीफ लेना है इनटेरिम का मतलब होता है टेम्परेरी रिलीफ अगर लेना है तो येस वी कैन गो टू द कोर्ट राइट यहाँ पे मीडिएटर अपॉइंट होगा जो कि न्यूट्रल होगा जिसकी एक्सपर्टाइज होगी 180 एटी डेज फ्रॉम द फर्स्ट एक्सपियरेंस ऑफ द पार्टीज में ये डिसाइड करना होगा दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नोट कर लो इसके आगे ठीक है यहाँ पर फिर मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया भी बनाई जाएगी बस ईजी क्या डिफिकल्ट है इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है ठीक है थोड़ा सा और फोकस देकर समझा करो चीज़ों को एंड अगर अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो पॉज करो पीछे जाओ दोबारा से समझो ठीक है चलिए अब आ गया समझ सबको एसी डिक्लाइंस टू कंसिडर प्ली फॉर इंडिपेंडेंट ऑडिट ऑफ सोर्स कोड ऑफ ई वी एम सिस्टम ऑडिट क्या होता है एन ऑफिशियल इंस्पेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट बाई एन इंडिपेंडेंट बॉडी ठीक है तो ऑडिट लिख लेते हैं ऑडिट क्या होता है ऑफिशियल इंस्पेक्शन ऑफिशियल inspection of an organization's of an organization's accounts by an independent body that is audit what is audit official inspection

एम जो है उसके ऊपर ट्रस्ट बढ़ दिया देखो जब इलेक्शन आने वाले होते हैं ना वो ईवीएम पे क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि ईवीएम जो है वो सही नहीं चलती इलेक्ट्रॉनिक ई कुछ ऐसे करके होती है यहाँ पे पार्टीज के सिंबल्स होते हैं और यहाँ पे बटन होता है ठीक है जिस जो बटन दबाए उसको वोट डल जाएगी तो वो कह रहे हैं कि इसके अंदर ना गड़बड़ घोटाला है ये बार बार होता ही रहता है तो हमें ई की फुल फॉर्म और ऑडिट का मतलब यहाँ से नोट कर लेना ईवीएम क्या है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सिस्टम जो वोटिंग के टाइम पे पार्टीज़ की वोटिंग डालते हुए जब वोट डालते तब यूज़ करी जाती हैं इससे पहले क्या यूज़ किया जाता था बैलेट पेपर क्या यूज़ किया जाता है बैलेट पेपर वो पेपर के ऊपर होता था कि पेपर होता था उसके ऊपर यहाँ पे सिंबल्स बने होते थे स्टैंप मारनी होती थी और फिर उसको फोल्ड करके एक डब्बे में डालनी होती थी ठीक है अब ये जो ई वी एम्स हैं ये एक मशीन के अंदर काउंट इकट्ठा इकट्ठा करती रहती हैं ठीक है डिटेल में मुझे इसका मैकेजम नहीं पड़ा बट हाँ ऐसे ही होता है अब यहाँ पर मिस्टर आया सबमिटेड दैट इंडिपेंडेंट ऑर्डिट शुड बी कंडक्टेड बाई अपलाइंग द आई ई वन जीरो टू एट स्टैंडर्ड दिस इज अ वेल स्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर सॉफ्टवेयर रिव्यूज एंड ऑर्डि फिक्स बाई इ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजियो वर्ल्ड लार्जेस्ट टेक्निकल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन चलो अब इन्होंने इतना डिटेल दिया है हमें लिखना पड़ेगा ठीक है रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट फॉर फॉर इंडिपेंडेंट ऑडिट वॉज मेड बाय अप्लाइंग आई ट्रिपल ई One zero to eight standard. Well established standard for software reviews and audits fixed by the Institute of Electrical and Electronics Engineers, world's largest technical professional. ऑर्गेनाइजेशन तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं केस फाइल किया है ठीक है ना कि आप आई ई वन जीरो टू एट स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए ठीक है ना क्या करें आप जो, जो कि स्टैंडर्ड्स किसके हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के हैं उनके रूल्स फॉलो करते हुए आप रिव्यू करें क्योंकि ये किसका है सॉफ्टवेयर को जैसे रिव्यूज़ किया जाता है कि सही है कुछ गलत तो नहीं कर रहे सॉफ़्टवेयर में कुछ गड़बड़ घोटाला तो नहीं है ठीक है तो हमें क्या क्वेश्चन हो सकता है आई ई वन ज़ीरो टू एट क्या है तो क्या है सॉफ्टवेयर रिव्यू करने का तरीका है ओके जी सुप्रीम कोर्ट कहता हमें पूरा विश्वास है यहाँ पे यहाँ पे लिख लो रिविजन के टाइम पे नहीं तो तुम्हें लगेगा पता नहीं क्या है केस वॉज फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट केस रिजेक्टेड ठीक है चलिए क्वाड मिनिस्टर्स होल्ड टॉक्स ऑन रूल्स बेस्ड ऑर्डर यू रिफॉर्म मीटिंग अर्ली ऑन फ्राइडे क्वाड क्या है ग्रुपिंग है कौन कौन एक्वाड में जल्दी तो से आंसर्स में बताओ फटाफट से अब ये वाले हलवा क्वेश्चंस नहीं आंसर करने वाली मैं जल्दी तो से बताओ बता दिया करो तुम नोट्स बना रहे हो तो तभी रिप्लाई नहीं कर पाते मीटिंग अर्ली ऑन फ्राइडे मॉर्निंग अलॉन्ग द फ्रिंजेस ऑफ सेवेंटी एट सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली

टेरर अटैक्स वॉज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट ठीक है ना टेरर अटैक अगर होते हैं तो उसमें कैसे करने चीज़ें उसके बारे में भी बात हुई जहाँ तो पर किस किस बारे में बात हुई एक तो इन्होंने कहा कि अगर आपने लिखना है तो आप लिख सकते हो अगर इंडो पैसिफिक रीजन में कोई डिस्प्यूट होता है तो वो कैसे सॉल्व करेंगे इंटरनेशनल लॉ को मद्देनज़र रखते हुए ठीक है इंटरनेशनल लॉ को मद्देनजर रखते हुए वो डिस्प्यूट सॉल्व करे जाएंगे ठीक है दूसरी चीज़ क्या बोला इन्होंने कि यू चार्टर को फॉलो करेंगे कमिटेड टू ठीक है कमिटेड टू यू चार्टर ठीक है यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है रूल्स एंड रेगुलेशंस है और एक न्यू इनिशिएटिव के बारे में बात करी जो कि डील करता है टेरर अटैक से ठीक है टेरर अटैक्स रिस्पॉन्ड कैसे करें टेरर अटैक्स रिस्पॉन्सवनेस रिस्पॉन्ड चलो ठीक है तो ये कहाँ पर बात हुई है क्वाड की मीटिंग में ठीक है अब यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर एंड शंकर काउंटर पार्ट डिस्कस द आउटकम ऑफ क्वाड काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप्स कॉन्सिक्वेंसिस मैनेजमेंट एक्सरसाइज विच स्टडीड हाउ द क्वाड कुड हेल्प रीजनल कंट्रीज दैट हैड एक्सपीरियंस टेरर अटैक्स द वर्किंग ग्रुप इज नेक्स्ट शेड्यूल्ड टू मीट इन इन यूक्रेन ठीक है यहाँ पे ये कौन से ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं एक इनकी चल रही है क्वाड काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप्स कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट एक्सरसाइज ठीक है ठीक है क्या करते हैं दडेड हाउ Quad could help regional countries that experienced terror attacks ठीक है ना On next meet कहाँ पे इनकी जो countries regional countries हैं ठीक है ना जहाँ पर टेरर अटैक्स होते हैं ठीक है उनको कैसे हैंडल कर सकते हैं जो प्रीवियसली एक्सपीरियंसड है वो बताएंगी इन मायनमार एशियन फाइव पॉइंट कंसेंसस क्या है देखो मायनामार के अंदर कू हो गया था कू का मतलब क्या होता है फोर्सफुली ओवर थ्रोइंग द गवर्नमेंट इन पावर ठीक है यहाँ पे मिल्ट्री जो है वो पावर में आ गई है अब मिलिट्री से बातचीत करी थी एशियान में क्योंकि एशियान का पार्ट है उन्होंने फाइव पॉइंट कंसेंसस अप्रैल ट्वेंटी वन में हुआ था जिसमें कहा गया था मिलिट्री का जो जुनता है जो हेड है उसने कहा था मैं पक्का से यहाँ पे इलेक्शंस करवा दूंगा उसने इलेक्शंस करवाए नहीं तो मेन्मार का क्या कर सकते हैं इनको समझ में नहीं आ रहा है और माइनमार द क्वाड सपोर्टेड अ ट्रांजिशन टू एन इंक्लूसिव फेडरल डेमोक्रेसी एंड द एशियन फाइव पॉइंट कंसेंसस अग्रीमेंट बिटवीन माइनमार जुनता एंड एशियन ग्रुप ऑफ कंट्रीज वो कहते हैं कि हाँ हमें ये

क्या है पैंडमिकिपेयरनेस एक्सरसाइज डेवलपमेंट ऑफ और इसमें क्या बात करेंगे एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रस्टेड एंड सिक्योर Telecommunications Network. That is your. क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर फेलोशिप प्रोग्राम क्या ये एग्जाम में आ सकती है क्या है पैंडमिक जैसे कोविड आया था वैसे उसके लिए प्रिपेयर कैसे हो सकते हैं वो एक्सरसाइज क्या करेंगे अगर दोबारा से आ जाता है ऐसा कुछ ठीक है ट्रस्टेड एंड सिक्योर टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क पे भी क्वाड कंट्रीज बात करेंगे और जब मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि क्वाड के अंदर कौन कौन है तो क्वाड के अंदर बेटा जी आपका है इंडिया यूएसए ऑस्ट्रेलिया एंड जापान जापान ठीक है ये चार कंट्री जो है इसका पार्ट है कौन सी कंट्री क्वाड का पार्ट बनने को फिर रही है कौन सी कौन सी कंट्री विक्रम और प्रज्ञान से कनेक्ट करने की कोशिश करी गई बट हम कनेक्ट नहीं कर पाए इनको सुला दिया था विक्रम विक्रम और प्रज्ञान किससे डी किसके साथ है चंद्रयान थ्री विक्रम क्या है विक्रम क्या है प्रज्ञान क्या है हाँ विक्रम लैंडर है जिसने सॉफ्ट लैंडिंग में हेल्प करी प्रज्ञान रोवर है जिसने घूमकर केमिकल एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए ठीक है आउटरीच ग्रोज ओवर केसेस अगेंस्ट मोहम्मद यूनिस हुनिस आउटरीच मतलब गुस्सा इज ग्रोइंग एज मोहम्मद यूनिस द चेयरमैन ऑफ ग्रामीण टेलीकॉम फेसेस अ बैरेज बहुत सारे केसेस ऑफ अ कोर्ट केसेस टाइड टू एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड वायोलेशन अब यहाँ पर सबसे पहले वी शुड नो कि ये बंदा है कौन ठीक है तो यहाँ पर लिख लेंगे मोहम्मद यूनस ठीक है और फिर हम लिखेंगे क्या और है इनके अगेंस्ट क्यों फेमस है नोबेल लॉट लॉरेट बाय नोबेल पीस नोबेल प्राइज जीता इन्होंने बाय द नोबेल एक मिनट फ्रॉम बांग्लादेश ठीक है केसेस Filed by government related to violation of employment laws. ठीक है ना अब यार यहाँ पे ना बात पता है इनकी गवर्नमेंट इसकी गवर्नमेंट के साथ बननी बंद हो गई है तो इसलिए इस बंदे के अगेंस्ट केसेस फाइल करे जा रहे हैं तो जितने भी नोबेल लॉटरेट्स हैं उन्होंने लिखा है कि आप ऐसा मत करिए ये तो बेइज्जती है पहले गवर्नमेंट के साथ बनती थी अब नहीं बनती थी तो मोहम्मद यूनस जो हैं ठीक है बांग्लादेश से हैं तो क्वेश्चन इन पर बन सकता है एक मिनट रुको नाउ अब यहाँ पे हम लिखेंगे वाई ही वॉज गिवन नोबेल प्राइस ठीक है नोबेल पीस प्राइस फॉर फाउंडिंग द ग्रामीण बैंक एंड ब्रिंगिंग कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो क्रेडिट एंड माइक्रो फाइनेंस ठीक है ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है कि नोबेल uh, प्राइज़ क्यों मिला था मोहम्मद यूनस को तो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ठीक है दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट उसके बाद आगे चलेंगे mm -hmm -hmm. इंडिविजुअल्स अंडर माइनिंग बांग्लादेश इलेक्शन वो कह रहे हैं इलेक्शन के छेड़छाड़ जो कर रहे हैं उन इंडिविजुअल्स को और उनकी फैमिलीज़ को यूएस वीजा नहीं देगी ठीक है उसके बाद द विनर ऑफ़ अपकमिंग ओ डी आई वर्ल्ड कप विल गेट अ प्राइस पर्स ऑफ फोर मिलियन वाइल द रनर अप गेट टू मिलियन डॉलर्स द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सेट ऑन फ्राइडे द टू लूजिंग सेमन फाइनलिस्ट विल गेट एट सिक्स करोड़ ठीक है यार एक मिनट अभी लिख ही लेते हैं ठीक है ओडीआई वर्ल्ड कप प्राइज जो फर्स्ट uh, आएगा उसको यूएसडी फोर मिलियन माने थर्टी थ्री करोड़ ठीक है रनर अप को मिलेगा यू एस डी टू मिलियन उसका आधा माने रुपीज सिक्सटीन करोड ठीक है ना टू लूजिंग सेमी फाइनलिस्ट को क्या मिलेगा रुपीज सिक्स करोड़ ठीक है यू एस डी एट लैक्स ठीक है जी साइडो केयर गोल स्कोर बाय लिंडा साइडो सैम केयर एंड बाय जेनेराटो एट द वुमेंस वर्ल्ड कप वर अमंग एलेवन नॉमिनेटेड बाय फीफा ऑन फ्राइडे फॉर एनुअल पोस्कास अवार्ड फैंस वर्ल्ड वाईड विल पिक ऑन फीफाज वेबसाइट देर टॉप थ्री गोल्स सिंस द मेन्स वर्ल्ड कप एंडेड लास्ट दिसंबर अंडर ठीक है तो ये गोल्स मतलब जब जीत जाएंगे तब पढ़ेंगे इंडियाज़ रोड टू पैरिस ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ये एशियन गेम्स हो रही है नाइनटीन एडिशन कहाँ पे हैंगजू में कल हमने पढ़ा था चाइना में पैनल कॉल्स फॉर रिविजन रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अराउंड प्रोटेक्टेड ए एस आई मोन्यूमेंट्स अब सबसे पहले तो ए एस आई क्या है देखिए ए एस आई के बारे में हम बहुत बार पढ़ते हैं आर्क्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्यों पढ़ते हैं ज्ञान वप्पी मॉस से रिलेटेड ये लोग साइंटिफिक सर्वे कर रहे हैं वो तो हमें बार बार इसके बारे में पढ़ने को मिलता है राइट यस हाँ तो ए एस आई अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं पार्लियामेंट्री पैनल हैज़ ऑब्जर्व दैट द प्रोविजन ऑफ हंड्रेड मीटर प्रोहिबिटेड एरिया एंड थ्री हंड्रेड मीटर रेगुलेटेड एरिया अराउंड ऑल मॉन्यूमेंट्स प्रोटेक्टेड बाई ए ए एस आई एज पेयर द लोकल कम्युनिटी अगेंस्ट दिस हेरिटेज स्ट्रक्चर इन मेनी प्लेसेज एज दे फाइंड हार्ड टू कैरी आउट नेसेसरी रिपेयर वर्क फॉर देर रेजिडेंशियल स्पेसिस ठीक है प्रोहिबिटेड एरिया के अंदर कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं करते हैं वो लोग तो ये पहले लिख लेते हैं uh, प्रोहिबिटेड एरिया अंडर ए एस आई नंबर वन पार्लियामेंट्री पैनल हैज ऑब्जर्व ठीक है अभी क्या रूल है हंड्रेड मीटर प्रोहेबिशन एक मिनट यार इसी चला लू हाथ में पसीना आ रहा है Prohibited Prohibited Area Hundred meter Prohibited Area and three hundred meter Regulated Area Around all monuments protected by psa psa is archaeological survey of india okay doesn't allow local community टू कंस्ट्रक्ट एनी थिंग नॉट एबल टू रिपेयर देयर हाउसेस अब देखो यहाँ पे जितने भी मॉन्यूमेंट्स आर्क्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर देता है ठीक है ना तो उसके अंदर 100 मीटर का प्रोहिबिशन एरिया होता है 300 मीटर्स का रेगुलेटेड एरिया होता है और इन एरियाज में कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं करते हैं लोग कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं करते तो जिन लोगों के घर इन एरियाज में आते हैं वो रिपेयर नहीं करवा सकते तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने क्या कहा है ठीक है डिफ़िकल्ट होता है आज द अब यहाँ पे लिखेंगे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी एज आज द गवर्नमेंट टू रिवाइज द रूल्स ठीक है चलो आगे चलेंगे ये हो गया हमारा आप लॉगिरी डॉट इन पर जा सकते हैं एंड वीडियो लेक्चर्स जो हैं आज अगस्त के पक्का कर दूंगी वीडियो लेक्चर्स जो है वो आ जाएंगे अगस्त के मे जून जुलाई के आ ही रखें तो इफ़ यू वांट टू बाय यू कैन गो टू लॉगिरी डॉट इन ठीक है एंड ज़रूर कमेंट क्या करो कि आपको ये कैसा लगता है लेक्चर लाइक ज़रूर कर देना शेयर ज़रूर कर देना आपके कॉमेंट्स जो हैं फिर मुझे मोटिवेट करते हैं कि अगले दिन भी मैं पूरी मेहनत करूँ और आपके लिए कॉन्टेंट जो है वो रेडी कर कर आपको समझाने आ जाऊँ राइट बाय बाय टेक